गौरी हर को नाम चलिए गुड़ लड्डू शाही सुरभर को महिमा कहीं न जाए लाल को मन को जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव अष्टौ सिद्धि दासी संकट को भैरी विघ्न विनाशन मंगल मूरत अधिकारी कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी घंटस्थल मन मस्तक जूले शशि बिहारी जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव कोई शरणागत आवे संतन संपद सब ही भरपूर पावे से महाराज को अति भावे तो सारी नंदन निश दिन गुण गावे जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो जबलपुर में जो है इस गणेश उत्सव को लेके काफ़ी ज़ोरों शोरों से जो है तैयारियां चालू हैं और काफ़ी अलग अलग इस बार जो है गणेश मूर्तियां जो है जबलपुर शहर में गणेश उत्सव के लिए बनाई जा रही हैं। तो इसी तरह से आप मेरे सामने देख सकते हो जो एक ये मूर्ति, ये काफ़ी डिफरेंट मूर्ति यार इस गणेश उत्सव में बनने वाली है। और ये मूर्ति के बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ, ये मूर्ति जो है ना बनाई जा रही है, मतलब जिस थीम पर बनाई जा रही है इस थीम के गणपति जो है पिछले साल मुंबई में भी काफ़ी फेमस हुए थे। तो ये मूर्ति में देखिए जो सबसे पहले तो आप जो है पूरी 10 भुजाएं वगैरह हैं और साथ ही साथ जो इस मूर्ति में कलर किया जाएगा ना जो पूरी मूर्ति गोल्डन रहेगी और जो इनका फेस है वो पूरा काले कलर का रहेगा। तो यहाँ पर जो है इस गणेश जी को जो है इस मूर्ति को काले गणेश जी के नाम दिया गया है। और अभी देखिए यहाँ पे जो है गणेश जी की ये मूर्ति काफ़ी बड़ी है तो इसको अलग से तैयारी की जा रही है और साथ में जो है जो मूर्तिकार जो इस मूर्ति को बना रहे हैं ना उनका पंडाल वहाँ अंदर है तो वहाँ पे भी अभी चल के आप लोगों को दिखाता हूँ। फिलहाल आप देखिए यहाँ पे जो है ये काले गणेश जी जो है हमारे जबलपुर शहर में बनाए जा रहे हैं और जो इनका शरीर है ना जो पूरा शरीर का कलर वगैरह पूरा गोल्डन रहेगा लेकिन इनके फेस में जो देख रहा हो ना फेस में जो है ये पूरा काला रहेगा। और इस तरह से देखिए जो है यहाँ पर उंगलियां वगैरह जो है गणेश जी की सुखाई जा रही हैं बना बना के इसमें रस्सी से और हाथों में इस बांध दिया जाता है। तो देखिए कितनी सारी जो उंगलियां भैया ने जो है यहाँ पे तैयार की हैं फ़िलहाल अभी ये देखिए और इनको जो है इस तरह से हाथों में जो है पूरा बांध दिया जाता है। और ये इनकी हाइट भी काफ़ी अच्छी काफ़ी बड़ी हाइट है यार ये गणेश जी की देख सकते हो आप। और इस मूर्ति में देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी अपना काम करने में लगे हुए हैं जैसे कि ये भैया अभी जो है सफ़ेद क्या पोत रहा भैया यार ये चौक मिट्टी है चौक मिट्टी जो है गणेश जी में देखिए पोती जा रही है। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ मूर्तिकार अंकित नायक के पास और यहाँ पे जो है भैया के द्वारा हमारे जबलपुर शहर के जो महाराजा कहलाते हैं काले गणेश जी के नाम से फेमस है उनके द्वारा ये बनाई जा रही है मूर्ति। तो यहाँ देखिए जो है भैया यहाँ पे गणेश जी के जो हाथों का काम कर रहे हैं देखिए किस तरह से जो है गणेश जी के हाथ में देखिए एक एक उंगली करके जोड़ के पूरा हाथ की तैयारी की जा रही है। और यहाँ पे देखोगे तो ये गणेश जी की उंगलियाँ जो हैं बनी हुई हैं भैया ने बनाए थे देखिए किस तरह से ये यहाँ पे सूख रही हैं और इसी को जोड़ जोड़ के भैया जो है पूरे हाथ का देखिए इस तरह से रूप दे रहे हैं। और एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ ये जो भैया हैं ये जो है रांझी की मनोकामना वाली महाकाली जिनको मन्नत वाली महाकाली के नाम से फेमस है उन्हीं के द्वारा बनाई जा रही है और ये जो है रांझी में जाके जो है उस मूर्ति पे काम कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार। और इनका जो गणेश जी आप देख रहे हो ना देखिए कितने बड़े विशाल गणेश जी जो है तैयार कर रहे हैं यहाँ पर और काले गणेश जी के नाम से जो पूरा फेमस है ये गणेश जी। तो अभी तो मूर्ति में भैया ने बॉडी पे जो है वाइट मतलब जो है चौक मिट्टी पूरी कर दी है और इनके हाथों का काम कर रहे हैं फ़िलहाल तो। और देखिए किस तरह से जो है भैया हाथ की उंगलियां जोड़ रहे हैं एक एक उंगली जोड़ के पूरा हाथ तैयार किया कर रहे हैं और लाइन से जो है भैया पूरी यहां पे देखिए उंगली सूख रही हैं बना के रख ली हैं और हाथों में जो है पूरी उंगलियाँ यहाँ पर जोड़ जोड़ के पूरे हाथ तैयार किए जा रहे हैं गणेश जी के। इस तरह से देखिए जो है भैया एक एक उंगली लेते हैं और यहाँ पर जो है इस तरह से देखिए अभी जोड़ेंगे
तो देखा आपने जो है किस तरह से जो है भैया ने यहाँ पे उंगली को जोड़ दिया गया है और जो रस्सी रहती थी उसको हाथ में दबा दिए हैं मिट्टी से, और इसके ऊपर जो जॉइंट आएगा ना तो उसमें भी मिट्टी से कवर करके उसको चिकना कर देंगे। तो इसी तरह से जो है सभी हाथों में काम किया जाएगा। तो अभी तो ये वाला हाथ तैयार हो चुका है और एक हाथ ये वाला तैयार हो गया, अब ये वाला हाथ पे तैयारी कर रहे हैं भैया। तो एक एक उंगलियाँ जो है जोड़ के इसी तरह से पूरी मूर्तियाँ तैयार की जाएगी, और मूर्ति में जो है अभी काम काफ़ी बाकी है। तो आप देख रहे हो ना जो मूर्ति की हाइट लगभग, भैया हाइट कितनी जाएगी मूर्ति की? तो ये मूर्ति की जो हाइट है ना लगभग 19 फीट है, और पीछे वो भी जाएगा ना नाग। ऊपर जो है गणेश जी का मुकुट देख रहे हो ना, उसके ऊपर जो है शेषनाग टाइप का कुछ बनाया जाएगा, तो उसको मिला के जो है मूर्ति की हाइट 19 फीट जाने वाली है। तो अभी तो मूर्ति बन रही है, अभी चिकना वगैरह करना है, कान वगैरह का भी काम बाकी है। तो जैसे जैसे मूर्ति कम्प्लीट होती आएगी आप लोगों को अपडेट देते जाऊँगा। तो जैसा अभी आप लोग देख रहे हो ना, ये मूर्ति में काम चालू है, और जब बनेगी ना मूर्ति यार एक नंबर दिखने वाली है। क्योंकि भैया के मतलब कहने का मतलब ये समिति वाले जो बोल रहे हैं इस मूर्ति में कलर करने के लिए, जो पूरी बॉडी है उसमें गोल्डन कलर करेंगे और चेहरे में जो है ब्लैक कलर होगा। तो लेकिन भैया का कहना कुछ और है। भैया आप क्या कह रहे हो, कलर वगैरह कैसा होगा? है नेचुरल जो बैठते हैं काले गड़े, तो भाई प्रॉपर ब्लैक रहे तो मज़ा भी आएगा कुछ। अच्छा, तो भैया का कहना ये है कि जो हर साल जिस तरह से काले गणेश जी बैठाए जाते हैं प्रॉपर ग्रे कलर और ब्लैक कलर के रूप में, तो भैया ऐसा कुछ चाह रहे हैं। तो जब ये गणेश जी कंप्लीट होगा, कलर का काम होगा, तभी ये पता चलेगा। तो फिलहाल अभी तो गणेश जी की अपडेट कुछ इस तरह से थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और भैया जो है मन्नत वाली काली जी भी बना रहे हैं तो वो भी अभी दिखाएंगे। फिलहाल तो अभी भैया यहाँ पर लगे हुए हैं, जब वहाँ जाएंगे ना तो मन्नत वाली काली जी का भी वीडियो आप लोगों को दिखाऊँगा। और इन्हीं के द्वारा बनाई जा रही है, इस साल इनको मौका मिला है, माता रानी ने इनको दी है मौका उनकी मूर्ति बनाने के लिए, जो काफ़ी बड़ी बात है यार। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जब मूर्ति कंप्लीट होगी कलर वगैरह का काम होगा तो वो भी आप लोगों को दिखाऊँगा मैं। तो फिलहाल मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।